व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। लेक्चर नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशंस के अंदर हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 का पूरा चैप्टर। मैं ये यूट्यूब के ऊपर आप लोगों का कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग से सेशन की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर दीजिएगा। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो भी कर दीजिएगा। अनअकैडमी के क्लासेस की बात करूं मैं आपके साथ, तो आप यहां पे दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है फ्री क्लासेस और दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस के लिए अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल, दैट इज अनअकैडमी CA, ये जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ जो पेड क्लासेस होती है, इसके लिए आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जब भी आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले तो आप IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एक और तरीका होता है बेटा फ्री क्लासेस देखने का, दैट इज स्पेशल क्लासेस। आप स्पेशल क्लासेस को डाउनलोड करके भी हमारी फ्री क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इस ऑसम से, बहुत ही जबरदस्त वाले सेशन की। चलिए एकदम बढ़िया तरीके से रॉक करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग से चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट। तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, सेम चीज आपको है ना पेपर नंबर 6 के अंदर भी देखने को मिलने वाली है, दैट इज कौन सा अपना जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ये चैप्टर नंबर 10 ही होता है कंपनी ऑडिट के नाम से। तो कंपनी ऑडिट में जो समझ लीजिए आपका कंपनी ऑडिट का 70% पोर्शन आपका इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज पेपर नंबर आपके पेपर नंबर 2 लॉ के अंदर, बराबर। तो ये चैप्टर सेम एज इट इज रेप्लीकेट होने वाला है वहां पे, एज इट इज आपको ग्रुप 2 के अंदर भी ये वाली चीज मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर्स से रिलेटेड, या ऑडिटर का मतलब क्या होता है और क्या होती है सारी चीजें। एक बार पहले पूरे पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर्स, या ऑडिटर्स लोग आखिर कौन होते हैं और कंपनी को ऑडिटर्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी है बेटा, अब ये कंपनी ने ना बाहर के लोगों से क्या उठाया, बाहर के लोगों से इन्होंने पैसा उठाया है, बराबर ना। इन्होंने पैसा मतलब हो सकता है शेयर्स बेच के पैसा लिया हो, लोन लिया हो, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से चीजें होती है। उसके बाद कंपनी साल भर में एक्टिविटीज को कैरी आउट करती है, एक्टिविटीज कैरी आउट करने के बाद एट द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट होता है। अब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके ट्रू ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड के फॉर्म में। इन्हें एम्प्लॉयज को भी बांटा जाता है, इन्हीं से तो सैलरीज बांटी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस दिए जाते हैं ये प्रॉफिट के बेसिस पे। तो ऐसे केसेस के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कंपनी से एसोसिएटेड है, और वो हमारे कंपनी से आस लगाए बैठे हुए कि ये कंपनी कुछ भला करेंगी तो हमारा भी भला, बराबर, बिल्कुल बराबर। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल और केवल आग जमाए होता है कंपनीज के ऊपर, कि अगर कंपनीज में ऐसा लगता है कि कंपनीज कल चल के बहुत ही बेहतरीन करेंगी तो एक काम करेंगे हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब इसे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, अब दोनों केसेस के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एकमात्र प्रूफ बनने वाला है जिसके ऊपर एक व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा या इन्वेस्टमेंट अपने निकालेगा कंपनी से, ये एकमात्र प्रूफ बनने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए और आपके सामने प्रेजेंट कर दे, आप इन्वेस्टर्स हो, मान लीजिए आप शेयर होल्डर्स हो, मान लीजिए आप बैंकर्स हो, मान लीजिए आप कस्टमर्स हो, मान लीजिए आप एम्प्लॉयज हो, मान लीजिए आप गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, तो अगर आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जो कंपनी ने खुद ने बनाया हो, तो क्या आपको विश्वास होगा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर? कह दो मुझे नहीं होगा करके, सर विश्वास तो हो ही नहीं सकता। क्यों विश्वास नहीं हो सकता? क्योंकि ये कंपनी ने खुद ने बनाया है, कंपनी इसके अंदर कुछ भी झोलझाल कर सकती है। तो ऐसे केस के अंदर व्यक्ति आवश्यकता पड़ी थी बेटा एक ऐसे थर्ड पर्सन की, किसकी? एक ऐसे थर्ड पर्सन की जो आके क्या करे, जो आके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करे विद इन द गिवन पैरामीटर्स, मतलब जो आके थर्ड इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता, ऐसा व्यक्ति आए, वो चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो गिवन पैरामीटर्स है ये सब कुछ प्रॉपर है क्या, और उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने
है क्या, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है, एरर गलती से हो जाता है, तो फ्रॉड या एरर की गुंजाइश तो नहीं है, फ्रॉड या एरर तो नहीं है। और उस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या दे, अपना ओपिनियन देवे बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देवे कि हाँ मैं भरोसा कर सकता हूं, आप भी भरोसा कर लीजिएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं लग रही है, दिक्कत का कोई विषय नहीं लग रहा है यहां पे। ऐसा जो अपना ओपिनियन एक बार दे दिया बेटा ऑडिटर साहब ने, तो ऐसे केस के अंदर समझ जाना बात को कि अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो चुके हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हो चुके हैं, इसे हम लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात, जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर बार बार बोल रहे हो, इसके अंदर होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, अपन ने पढ़ा है डेफिनेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता, कैश फ्लो भी आता है, लेकिन कुछ कंपनीज के केस में कैश फ्लो नहीं आता। कमेंट करके बताना मुझे कौन से कंपनीज के अंदर कैश फ्लो नहीं आता है करके, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जब ओपिनियन दे देता है थर्ड पर्सन, जिसे हम लोग जो थर्ड पर्सन एलिजिबिलिटी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि कौन वो थर्ड पर्सन हो सकता है और कौन वो थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, सब चीजें पहचानेंगे। तो ऐसे केस के अंदर वो थर्ड पर्सन अपना ओपिनियन दे देता है और उस ओपिनियन के बेसिस के ऊपर जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, जो सामने वाले दूसरे लोग होते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को ऑडिटर बोला जाता है जो यहां पे ओपिनियन दे रहा है, बराबर। अब ये ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या प्रतिज्ञा करने होती है और क्या क्या सारी चीजें लगती है, सारे चीजों के बारे में जानने वाले हम लोग इसी चैप्टर के अंदर। चलिए आइए, सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड बात कर रहा है। इनका कहना है कि हमें व्यक्तियों को अपॉइंट करना होगा जो क्या करेंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो सेक्शन नंबर 139 है जो आपके साथ बात करता है कि कैसे आप लोग अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 139(1), ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड बात करता है। इनका कहना है कि हर एक कंपनी, क्या बोल रहा हूं मैं, हर एक कंपनी अपॉइंट करेंगी किसी इंडिविजुअल को। फटाफट बताना क्या बात किया मैंने, किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फॉर द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब इनका कहना है कि हर एक कंपनी ने किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, जिसे प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, या कोई फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया या LLP हो गया, कंपनी नहीं चलेंगी मित्रों, केवल और केवल फर्म की बात करें, कंपनी लिखे क्या इन्होंने, नहीं लिखे, मतलब कंपनी नहीं चलने वाली है। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई फर्म है बेटा जो ऑडिटर बनना चाहता है कंपनी का, उसे एवरी कंपनी शाल अपॉइंट इन द फर्स्ट AGM, कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी अपॉइंट करने वाले। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऑन द फर्स्ट AGM, फर्स्ट AGM का मतलब होता है जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके आने वाले साल, जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। देखिए मानो एक मिनट रुको, ये था, ये एक साल हुआ, ये एक साल फाइनेंशियल स्टेट, मतलब एक साल कंपनी का फिनिश हुआ, ठीक है। इस यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लोज हुआ, तो कुछ समय बाद कंपनी का फर्स्ट AGM आता है। अब अगेन अपन ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि AGM कब कब आता है, वो ईच कैलेंडर ईयर में एक AGM होना चाहिए, दो AGM के बीच में 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सब याद है आपको, है ना फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से 6 महीने के अंदर आपका AGM हो जाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी अपन लोगों ने। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे आपका AGM होता है, तो इनका कहना है कि ये जो फर्स्ट AGM है ना, ये जो फर्स्ट AGM है, ये फर्स्ट AGM के अंदर कंपनी क्या करेंगी मित्रों, कंपनी यहां पे अपॉइंट करेंगी ऑडिटर को, बहुत जोरदार, ये इसकी बात कर रहा है, कंपनी अपॉइंट करेंगी फर्स्ट AGM को, किसे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगी इस AGM के ऊपर, बहुत अच्छी बात है सर। अब ये ऑडिटर कितने दिनों तक कंपनी के अंदर ठहरने वाला है, वो बी पॉइंट में दिया गया, देखो, द ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, मतलब जो पहली AGM है, जिस समय वो अपॉइंट हुआ है उसके कंक्लूजन से लेकर टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, मतलब पहले AGM पे हुआ तो सेकंड AGM जब होगा उसका एक साल, थर्ड पे दूसरा, फोर्थ पे तीसरा, फिफ्थ पे चौथा, और छठवें AGM पे 5 साल हो जाएंगे, मतलब 5 साल तक वो क्या करने वाला है बेटा, होल्ड कर सकता है ऑफिस, वो होल्ड करेगा ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। देखिए इस AGM के यहां पे तो वो अपॉइंट हुआ ना मित्रों, उसके बाद का सेकेंड AGM, थर्ड AGM, फोर्थ AGM, फिफ्थ AGM, उसके बाद 6th AGM और 7th AGM, तो 6 तक वो होल्ड करेगा, मतलब एक साल, दो साल, तीन साल, 4 साल, 5 साल, बराबर। तो 5 सालों
के लिए, सभी लोग बताना मुझे 5 सालों के लिए वो क्या करने वाला है, होल्ड कर सकता है ऑफिस को, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। क्या आप इस बात को समझ गए? सभी लोग बताइए मुझे, है ना। तो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम से लेके 6th AGM मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स तक वो होल्ड करने वाला है, ऐसी वाली बात यहाँ पे हो चुकी है। एंड देयर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM मतलब क्या कि उसके बाद जैसे 6th AGM पे कंप्लीट हो तो वहां से जो भी 6th AGM आती रहेंगे, मतलब 5-5 साल बाद जो भी AGM कंप्लीट आते रहेंगे और नए नए ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे तो वो 5-5 सालों के लिए अपॉइंट होंगे। अभी भी ये लोग खामोश है बेटा फर्स्ट ऑडिटर को लेके, ये जो बात कर रहे हैं ना आपको लगता नहीं, ये मतलब फर्स्ट AGM पे अपॉइंट कर रहे हैं। यार आप ये भी तो सोचो ना, ये पीरियड के लिए भी तो किसी ना किसी को अपॉइंट किया होगा, हम तो आगे के पीरियड का सोच रहे, इस पीरियड के लिए भी तो अपॉइंट किया होगा ना किसी किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं की है, इसके मेरे हिसाब से इसके बारे में लोग बाद में, मेरे हिसाब से मतलब मुझे पता है कि ये लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि ये लोग है ना सबसीक्वेंट ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी सबसीक्वेंट ऑडिटर हम लोग किसे अपॉइंट कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति एक तो पार्टनर हो, मतलब अगर वो व्यक्ति एक तो मतलब कोई एक ऐसा, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति इंडिविजुअल वाला या कोई पार्टनरशिप फर्म को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी। मतलब सर आप कह रहे हो एक तो मिस्टर ए को अपॉइंट करो, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं मान लीजिए ABC करके एक फर्म है तो इनके फर्म को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, भले इसके अंदर 5 पार्टनर्स हो 10 पार्टनर्स हो हम लोग इनको अपॉइंट कर सकते हैं एक फर्म को। हाँ हालांकि फर्म की भी एलिजिबिलिटी को लेकर बाद में सवाल आने वाले हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअल और फर्म को हम लोग अपॉइंट करेंगे करके, बराबर एकदम जोरदार सर। उसके बाद देखिए मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स करके, मतलब आखिर कैसे यहां पे अपॉइंट होने वाले ऑडिटर्स, व्हाट इज द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारे सबसीक्वेंट ऑडिटर्स की बात हो रही है, फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्डिंग कुछ चर्चा नहीं हो रही है। मतलब क्या कि जो पहला प्यार है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जो बाद वाले प्यार है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बाद वाले ऑडिटर्स को अपॉइंट जब कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, पहले ऑडिटर्स की कोई चर्चा नहीं कर रहा, पहले ऑडिटर्स की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है आइए वो बाद में बात करेंगे, मैं जानता हूं इसके बारे में। आइए देखिए कैटेगरीज ऑफ कंपनी, हो सकता है आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी हो सकता है आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं हो करके नो ऑडिट कमेटी कुछ भी हो सकता है। तो जहां पे आपके इसमें ऑडिट, ऐसी कंपनीज जहां पे ऑडिट कमेटी होती है तो वहां पे ऑडिट कमेटी डिसीजन लेंगी, और जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं होंगी वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। फिर से कहूंगा मैं आपके साथ, देखो इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार की कंपनीज हो सकती है, एक ऐसी कंपनी जिसमें ऑडिट कमेटी है और एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर ऑडिट कमेटी नहीं है। अब जिसके अंदर ऑडिट कमेटी है तो वहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी ऑडिट कमेटी बनेंगी, और जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने वाली है। बराबर बोल दीजिए मुझे, बराबर बिल्कुल बराबर सर। अब सुनना ध्यान देना क्या अब देखिए मैं आपको ये पूरे प्रोसीजर्स पहले रीड करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट फॉर्म में मतलब समझा दूंगा उधर कि कैसे क्या हुआ है करके। द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इनटू कॉलिग्वेज, अब कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होने वाला है ये देखो, ये कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब जहां पे ऑडिट कमेटी है वहां पे ऑडिट कमेटी, और जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे कोई और मतलब कौन है वो, कोई और मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है तो वाली चीज है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फर्म प्रपोज टू बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड सच क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कमेंसुरेट विद द साइज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी करके। इनका कहना है कि किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले ये देखिए मित्रों, क्या देख रहा है आपको कि क्या वो व्यक्ति कंपिटेंट है, क्या वो व्यक्ति सही में एक्सपीरियंस्ड है उतना, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो एलिजिबल है हमारे इस नादान सी कंपनी के लिए, हमारे इस खास सी कंपनी के लिए क्या ये व्यक्ति एलिजिबल है, योग्य है या नहीं है ऑडिटर बनने के, उसके रिगार्डिंग चर्चा करो, कंपिटेंट अथॉरिटी चर्चा करती है। बेसिकली कंपिटेंट अथॉरिटी है ना मां बाप होते हैं मित्रों, समझ रहे बात को, जो क्या करते हैं, जो देखते हैं कि ऑडिटर जो प्रोस्पेक्टिव अपने बच्चे के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कौन हो, बताइए ना मुझे कौन हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अपने बच्चे के लिए योग्य सामने वाला, जैसे लड़की है तो योग्य लड़का है या नहीं है, लड़का है तो योग्य लड़की है या नहीं है करके ऐसे कंपिटेंट अथॉरिटी चेक करते हैं, समझ रहे बात को, कंपिटेंट अथॉरिटी चेक करते हैं और क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को चेक करो, बताइए मुझे किसके, इंडिविजुअल व्यक्ति के। एक तो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, फर्म है तो फर्म मित्रों, जो भी जिसको भी अपॉइंट कर रहे कमेंसुरेट क्या हमारे योग्य है मित्रों, कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ कंपनी, जो कंपनी की ऑक्स है क्या उसके अनुसार ये ऑडिटर है क्या करके, समझ रहे बात को, ये वाले
चीज को चेक करो। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, और चेक करेंगे कहीं ये व्यक्ति के खिलाफ कोई पेंडिंग केसेस वेसेस तो नहीं चल रहे, कोई मतलब अलते बलते केसेस तो नहीं चल रहे, ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आ रहा कि इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वगैरह कुछ किया है करके, ऐसा लफड़ा तो नहीं है ना, उसके बारे में भी ये लोग पता करते हैं। देखिए यहाँ पे, हैविंग रिगार्ड टू द एनी अदर पेंडिंग केसेस या प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द इंस्टीट्यूट ICI या कंपिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट, मतलब कोई भी प्रोफेशनल मैटर्स कोर्ट के अगेंस्ट ICI में या कहीं पे भी चल रहा है तो उसके बारे में बताइए करके, है ना। इट में कॉल सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर इट में डीम फिट, मतलब वो पूछ सकता है सीधा ऑडिटर से, प्रपोज्ड ऑडिटर, अभी तक ऑडिटर नहीं बना है ना, प्रपोज जो हो सकता है कल चल के ऑडिटर बने, तो उनसे पूछ सकता है भैया कोई केसेस वेसेस तो नहीं है आपके खिलाफ, है तो भैया अभी बता के रख दो फिर बाद में लफड़ा नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा पूछ सकता है यहाँ पे जो ऑडिटर है, वो डेफिनेटली पूछ सकता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए कह सकता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, बराबर, बिल्कुल बराबर सर। अच्छा अब देखिए उसके बाद देखो क्या बोला गया, फिर कैटेगरीज ऑफ कंपनी जहाँ पे ऑडिट कमेटी है और जहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है, ठीक है, नॉट नो ऑडिट कमेटी। तो यहाँ पे देखिए ऑडिट कमेटी क्या करेंगे, द कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल या फर्म ऑफ ऑडिटर टू द बोर्ड करके, मतलब जहाँ पे ऑडिट कमेटी है वो ये सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके बोर्ड को, किसे बताइए बेटा, बोर्ड को रिकमेंड करेंगी नेम ऑफ ए इंडिविजुअल ऑडिटर, नेम ऑफ अ इंडिविजुअल या फर्म ऑफ ऑडिटर को। और जहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है तो वहाँ पे ये पूरी सारी चीज़ें कौन करने वाली है, बोर्ड ही करने वाली है, मतलब बाकी किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग कहेंगे बोर्ड से ही पूछ लेंगे, काम करो बोर्ड तुम ही रिकमेंड करो करके, समझ रहे बात को, तुम ही रिकमेंड करो। अब बीच में इन्होंने यहाँ पे बताया कि कौन से कंपनी को ऑडिट कमेटी लगती है और कौन से कंपनी को नहीं लगती है, आइए पढ़ी डालते हैं ना, अब इतना पढ़ रहे हैं। तो देखिए इनका कहना है कि एवरी लिस्टेड कंपनी को तो ऑडिट कमेटी लगने वाली है, उसके अलावा अदर क्लासेस ऑफ कंपनी, अगर कोई पब्लिक, पब्लिक और पब्लिक, एक बात तो समझ में आ गई सर, प्राइवेट कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं देखने वाली है, तो अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ऑडिट कमेटी लग रही है सर, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है लेकिन अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर ऑडिट कमेटी आएंगी। अगर उसका टर्नओवर मित्रों 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगेन ऑडिट कमेटी आएंगी, या उसका जितने भी बोरोइंग्स है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, अगेन यहां पे ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट आने वाली है, ऐसी वाली बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बोरोइंग की ये लोग जो बात कर रहे हैं ना बेटा, ये सारे चीजों की ये जो बात कर रहे हैं, ये कौन से, ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब जो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो आपने क्लोज किया है उसके 31 मार्च को हम लोग चेक करेंगे कि बोरोइंग एक्सीड हो रही है क्या, तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये वाली चीज को आपको टेकन अकाउंट लेना होता है, मतलब चाहे टर्नओवर हो, शेयर कैपिटल हो, कुछ भी हो, आपको पिछले साल के इससे चेक करना होता है, पिछले साल जो भी ऑडिटेड, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, पिछले साल ऑडिट होने का है तो उसके पहले साल ऑडिट हुआ है तो उसको चेक करो, सर 2 साल से ऑडिट नहीं हुआ, इससे पहले का ऑडिट हुआ है तो वो चेक करो, जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना, आपको उस चीज को चेक करते हुए चलना होगा, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। क्या आप बात को समझ रहे हैं, बताइए मुझे जल्दी से, अभी बस फ्लो के साथ चलने दीजिए, फिर मैं आपको पूरी चीज़ें कनेक्ट करवा दूंगा ये पूरे पॉइंट्स होने के बाद, ठीक है। तो पहले पूरे पॉइंट्स को एक बार तोड़ के समझ लेते हैं जो इन्होंने इंडिविजुअल दे के रखा है, और उसके बाद फिर अपन लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक चार्ट फॉर्म में पूरा बता दूंगा, एक पूरा सीक्वेंस बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है करके, बराबर। तो अभी अपन ने क्या देखा कि हर एक को, मतलब जो भी कंपनी है बेटा वो किसी इंडिविजुअल या फर्म को अपॉइंट कर सकती है, दूसरा वो होल्ड करेंगी ऑफिस को 6th AGM, मतलब 1st AGM से 6th AGM, देयर आफ्टर एवरी 6th AGM, मतलब 5 सालों के लिए। अब कंपिटेंट अथॉरिटी ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी होंगी, ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड होने वाली है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर लेंगी और बोर्ड को भेजेंगी और चेक करेंगी क्या कमेंसुरेट है क्या विद द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अगर कोई प्रोफेशनल मैटर्स पेंडिंग वगैरह तो नहीं है, तीसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो प्रपोज्ड ऑडिटर वगैरह जो है उससे इंफॉर्मेशन भी बुलवा सकते हैं, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ ये जो नेम वगैरह है ना बेटा, ये अगर ऑडिट कमेटी है तो वो नेम सजेस्ट करेंगी बोर्ड को, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड खुद से ही रिकमेंड करेगा इंडिविजुअल या फर्म के नाम को, खुद से ही वो रिकमेंड करने वाला है AGM के अंदर, बराबर। बाकी केस में क्या होता था, नहीं तो यहां पे मतलब बाकी केस मतलब ऑडिट कमेटी के केस में ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएंगी और फिर उसके बाद बोर्ड क्या करता है, बोर्ड यहां पे आगे AGM में बताता है, लेकिन जब ऑडिट कमेटी नहीं है तो यही वाली प्रक्रिया होंगी, मतलब बोर्ड यहां पे AGM को बताने वाला है, समझे बात को, बोलिए जल्दी से मुझे, यस सर इस बात को हम लोग समझ रहे हैं करके, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर देखते,
है। नेक्स्ट वाली चीज क्या कह जा रही है आपसे देखेंगे। अब ये ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग भी चीजें हो गई है अपनी। अब देखो, इफ द बोर्ड एग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, वो फर्दर रिकमेंड करेगा। बोर्ड को पसंद आया, ऑडिट कमेटी ने जो लड़का ढूंढा बोर्ड को पसंद आया, तो ऐसे केस के अंदर ऑडिट कमेटी से फर्दर रिकमेंड, मतलब सॉरी, बोर्ड इसको फर्दर रिकमेंड कर देंगी घर वाले मेंबर्स को कि देखो करके, बहुत ही जबरदस्त मजा ही कुछ और आ गया करके, है ना। देखिए यहां पे, मतलब देखो, बोर्ड अगर एग्री करती है तो फर्दर रिकमेंड कर देंगी फॉर द अपॉइंटमेंट इन एजीएम। मतलब सर एक बात तय हो गई कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है एजीएम के अंदर, ना ही इसको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती, ना ही इसको बोर्ड अपॉइंट करता, लेकिन इसे अपॉइंट करने वाला है कौन आखिर? इसे अपॉइंट करने वाले है एजीएम के अंदर मेंबर्स, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स वो उसे अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर बोर्ड यहां पे डिसएग्री कर जाती है तो वो क्या करेंगी, रेफर बैक कर देंगी बेटा इस रिकमेंडेशन को टू द ऑडिट कमेटी और अपने रीजंस बता देंगी। उसके बाद ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस गिवन बाय बोर्ड डिसाइड्स नॉट टू रिकंसीडर, फिर भी सोचती है कि नहीं मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से अभी भी जो मैंने पहले कहा था वो मैं अभी भी कह रहा हूं कि सबसे बेहतरीन है करके ये चीज, तो ओरिजिनल। तो यहां पे फिर देखो बोर्ड क्या बोलेंगे, एक काम कर करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड तुम तुम्हारा देखते बैठो, मैं क्या करूंगा रिकॉर्ड करूंगा रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट और अपना ओन रिकमेंडेशन आगे भेज दूंगा। सुनिए ना, बोर्ड क्या करेगा, अपना ओन रिकमेंडेशन आगे भेज देगा ऑडिट, मतलब इन प्लेस ऑफ ऑडिट कमेटी, और वो एजीएम के अंदर मेंबर्स डिसाइड करेंगे उसे अपॉइंट करना है या उसे अपॉइंट नहीं करना है करके। मजा ही कुछ और आ गया सर, ये तो मजा ही कुछ आ गया। देखिए यहां पे मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखो क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी दो हो सकती है, एक तो हो सकता है बेटा ऑडिट कमेटी या दूसरी हो सकती है बोर्ड करके, बराबर, एकदम बराबर। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले ये एलिजिबल कंपिटेंस चेक करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या कंपिटेंस है या नहीं है करके, इसको चेक किया जाएगा। फिर प्रोफेशनल मैटर्स अगर कुछ चल रहे हैं तो प्रोफेशनल मैटर्स के रिगार्डिंग, और अगर कुछ इन्फो लगती है तो वो इन्फो भी अपन लोग ऑडिट से बुला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, एक बार ये तीनों चीजें हो गई तो यहां पे अब क्या होता है, अब सुनना। अब सेकंड वाले केस में ऑडिट कमेटी यहां पे बोर्ड को रिकमेंड करती है, और बोर्ड को अगर वो चीज पसंद आ गया, बोर्ड को अगर एग्री आ गया तो ये इसे फर्दर रिकमेंड कर देती है, बराबर, बिल्कुल बराबर। लेकिन अगर बोर्ड को वो चीज पसंद नहीं आई मित्रों, तो ऐसे केस में वो क्या करती है, यहां पे रेफर बैक करती है। सभी लोग बताना, वो रेफर बैक करती है और उसके बाद साइट करती है रीजंस को, तो साइटिंग रीजंस के साथ वो रेफर बैक करती है। अब ऐसे केस में ऑडिट कमेटी हो सकता है इसको चेंज कर दे, है ना, चेंज कर दे, तो नया वाला रिकमेंडेशन भेजेंगे और फिर से ये प्रक्रिया चालू होगी, पसंद आया तो फर्दर रिकमेंड, नहीं पसंद आया तो रेफर बैक। लेकिन मान लीजिए ऑडिट कमेटी का कहना है कि नहीं नहीं हम तो चेंज नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन है करके, है ना, हम चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर बोर्ड क्या करेगा, ओन रिकमेंडेशन, आप कलर पे ध्यान दीजिएगा यहां पे, ओन रिकमेंडेशन आगे भेज देता है एजीएम के अंदर और वहां पे डिसएग्रीमेंट के रीजंस डाल देता है कि मेरे कारण ये डिसएग्रीमेंट हुए है, इसलिए मैं अपना ओन रिकमेंडेशन दे रहा हूं करके। ऐसी चीजें यहां पे बोर्ड कर सकता है, बराबर। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई है अभी तक ऑडिटर को अपॉइंट करने की, ऐसी वाली चर्चा यहां पे चल रही है। चलिए आइए उसके बाद, अब देखो अब क्या कहना है, बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड रिटन कंसेंट टू द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर दैट इट शैल बी मेड इन कंडीशन एज पर द प्रिस्क्राइब करके। मतलब सिंपल सी बात है, बिफोर अपॉइंटमेंट आप ऑडिटर से पूछ लोगे, भाई सही में कोई प्रोफेशनल मैटर्स नहीं है, भाई सही में तुम एलिजिबल हो ना, तुम ऐसा ना हो कि डिसक्वालिफाइड पर्सन माने जाओ। क्या है लॉ के अंदर बेटा, ऐसे कुछ रूल्स दे के रखे हैं इन्होंने, सेक्शन नंबर 141 आपके साथ कुछ रूल्स के रिगार्डिंग बात करता है कि जब एक व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी के, मतलब मान लीजिए कंपनी, जैसे याद है यार अपन लोगों ने ना बेटा वो अभी कुछ दिन पहले ही अपन लोगों ने वो डिपॉजिट्स के अंदर अपन ने पढ़े थे ना कि कौन सा व्यक्ति, मतलब वो जो ट्रस्टी है ना वो बन सकता है नहीं बन सकता है, अपन ने ऐसी चीजें पढ़े थे। तो ऐसे केस के अंदर बस उसी की है, जैसे वहां पर डिसक्वालीफाई किया अपन ने कुछ लोगों की, ये व्यक्ति तो बनी चु नहीं सकते करके, है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर भी ये लोग बात करके रखे कि ये व्यक्ति तो पक्के से ऑडिटर बन ही नहीं सकते, उसे डिसक्वालिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिसक्वालिफिकेशन।
डिस्क्वालिफिकेशन। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफाइड कर दिए गए हैं कि ये लोग तो बिल्कुल भी ऑडिटर नहीं बन सकते, जिसके रिगार्डिंग हम लोग सेक्शन नंबर 141 के अंदर पढ़ने वाले हैं। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब देखिए, तो अपने को रिटर्न कंसेंट बुलाना है कि ऑडिटर जो है ना बेटा, उससे सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना कि अकॉर्डिंग टू द जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है, वो कंडीशन के प्रिस्क्राइब के अनुसार आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आपका अपॉइंटमेंट गलत नहीं है करके ऐसा सर्टिफाइड कर दीजिए करके, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब देखिए क्या कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट क्या क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे, एज पर द सेकेंड प्रोविजन सेक्शन 139 रूल 4 स्टिपुलेट्स, अ रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर मस्ट बी टेकन बिफोर द अपॉइंटमेंट। द और सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या होगा, देखिए, द इंडिविजुअल और फॉर्म एज द केस में बी इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1945 रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर अंडर। मतलब कुछ कंपनीज को बार्ड करके रखते हैं, कुछ कंपनीज नहीं, कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ फर्म्स को हम लोग यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बैन कर देता है कि आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो जब उन्होंने कुछ गलत काम किया है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आपके साथ कि कुछ लोगों को मना करके रखा है। उसके अलावा प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म, याद है आपको अपन ने ऊपर देखा था कि टर्म 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। सर जब वहां पर इतना स्पेसिफिक लिखा है 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते, मतलब 6 साल के लिए नहीं कर सकते, यही उसका लॉजिक होगा, तो वो एज पर द टर्म हुआ है। फिर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट्स लेड डाउन बाय द अथॉरिटी, जो भी लिमिट्स लेट डाउन है उसके अथॉरिटी के अंदर हुआ है। फिर कोई भी लिस्ट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग से बेटा, जो भी ऑडिटर को पता है कोई प्रोफेशनल मैटर्स से रिलेटेड, तो वो सारी चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से, ट्रू एंड करेक्ट तरीके से आपने उसको डिस्क्लोज किया है। क्या बोला हूं मैंने, ट्रू एंड करेक्ट तरीके से आपने उस चीज को डिस्क्लोज किया है, ऐसा भी आपको बताना होता है। क्या आप इस बात को समझे, सभी लोग बताइए ये वाली चीज। उसके अलावा आपने सर्टिफिकेट में बताना है कि हम लोग कंडीशन ऑफ सेक्शन 141, मैंने कहा था डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करता है, तो जो भी कंडीशंस वगैरह है ना बेटा, वो कंडीशंस को अपन ने, अपन लोग उसके अंदर नहीं फंस रहे, ऐसी वाली चीज। कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर, फर्दर कंपनी शैल इन्फॉर्म द कंसर्न्ड ऑडिटर ऑफ हिज या हर अपॉइंटमेंट एंड आल्सो फाइल द नोटिस ADT1 फॉर सच अपॉइंटमेंट विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग इन द ऑडिटर व्हिच ही इज अपॉइंटेड। मतलब समझिए बात को, 15 दिन के अंदर ऑडिटर एडीटी, ऑडिटर के लिए एडीटी आने वाला है ना, तो समझिए बात को, जिस मीटिंग के अंदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना, उस मीटिंग से 15 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है, यहां पे रजिस्ट्रार को, कंपनीज को बता देना कि हमने हमारा जवाई ढूंढ लिया करके, समझ रहे बात को, 15 दिन के अंदर सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देना। और रिलेटिव्स की बारी आई तो सबसे मुखिया कौन होने वाले बताइए मुझे, सबसे मुखिया होने वाले ROC, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपको बताना होगा 15 दिन के अंदर कि हमने ढूंढ लिया है कौन होने वाला है हमारा सक्षम ऑडिटर करके, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे, सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस चर्चा को समझ पा रहे हैं कि कैसे ऑडिटर अपॉइंट होता है, और ये खासकर ये सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात है ना, अभी तक फर्स्ट ऑडिटर की चर्चा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर में कुछ पढ़ने जैसा ही नहीं है, वहां पे बोल देंगे बोर्ड अपॉइंट करता है करके, मैं बता रहा हूं ना आपको, पक्का बता रहा मैं, है ना। तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। कम ऑन एवरीवन, क्या आपको सारी चीजें समझ रही है, सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट बता दीजिए क्या आपको सारी सारी चीजें समझ में आ रही है क्या। ठीक है, चलिए आइए आइए अब कुछ निफ्रा रूल्स के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है निफ्रा रूल्स के रिगार्डिंग चीजें, सारी सारी बात को एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, आ जाइए, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था कि मतलब इतनी भी ठंडी नहीं आई है, बोले इतना तो उसका एहसास हो रहा था मुझे कि इतनी भी ठंडी है, ऊपर से लाइट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो फिर उसके कारण बहुत ज्यादा हीटेड चीजें क्रिएट हो जाती है। चलिए आ जाइए, अब मैं अगर बात करूं तो निफ्रा रूल्स के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, क्या कहता है ये निफ्रा रूल्स और क्या कहती है चीजें, एक बार ये पैराग्राफ को समझते हैं फिर मैं उसके बाद आपको चीजों को बता दूंगा। देखिए यहां पे निफ्रा रूल्स, एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, वो सारी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी जो गवर्नड बाय होती है निफ्रा रूल्स, शैल इन्फॉर्म द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, 30 दिन के अंदर उन्हें इन्फॉर्म करना होगा ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ निफ्रा रूल्स इन्फॉर्म NFRA 1 पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर एज ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ निफ्रा रूल्स। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है ना, तो वो निफ्रा को बताएंगी, निफ्रा सुनो ना, निफ्रा मतलब कजिन बेटा, समझना बात को, कजिन दादा दादी, तो कजिन दादा दादी को बताएंगे NFRA 1 फॉर्म के अंदर कि हमने क्या ढूंढ लिया, हमने दामाद ढूंढ लिया है करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो कजिन दादा दादी को भी याद करना, खुद के तो दादा दादी को याद कर लिए, तो कजिन को भी तो याद करना होगा। तो ऐसे केस के अंदर निफ्रा 1 के अंदर
आप इन्फॉर्म करते हो उनको, बराबर। आइए उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल 3 निफ्रा रूल्स, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 फॉर्मड इन द इंडियन गवर्नड बाय द निफ्रा रूल्स शाल विद इन 15 दिन ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। विद इन 15 दिन यहां पे क्या करना चाहिए, देखिए ये किसके लिए बात करे जा रहे, ऐसी कंपनी जो किसके अंदर आ रही है, निफ्रा रूल्स के अंदर आ रही है, उनको 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है NFRA 1 के अंदर कि हमने ढूंढ लिया। मतलब देखो जो कजिन वालों के क्लोज है बेटा, जो निफ्रा रूल्स के अंदर है 15 दिन, बाकियों के लिए 30 दिन के बाद के, दोनों के लिए फॉर्म सेम है, NFRA 1 दोनों के लिए फॉर्म एब्सोल्युटली सेम है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे, जल्दी से सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे जो मैं आपके साथ कह रहा हूं यहां पे, है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, टर्म मतलब होता है कि कितने समय के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, कितने समय के लिए हम लोग यहां पे ऑडिटर को अपने पास रखेंगे या ऑडिटर को अपॉइंट करके रखेंगे एक टर्म के लिए, समझिए बात को कि, है ना, जैसे कि ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है फर्म के अंदर, अपने कंपनी के अंदर हम लोग ऑडिटर को ढूंढ रहे हैं, तो कितने समय के लिए ये हमारे कंपनी का ऑडिट करने वाला है या कितने सालों के लिए हमारे कंपनी का ऑडिट करने वाले है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूं ना आपके साथ, तो इस चीज को बोला जाता है रोटेशन का कंसेप्ट, क्या बोला जाता है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है कि एक ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट कितने समय के लिए कर सकता है, एक बार वो समय फिनिश ऑफ हो गया तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, समझ रहे, आप काफी रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को। आप किसी व्यक्ति के साथ एक समय तक रह सकते हैं, उसके बाद उनके लाइफ में एक नया परमानेंट नहीं ना, तो ऐसा मैं कह रहा हूं आपके साथ। तो बेसिकली क्या चर्चा की जा रही है, चर्चा यह की जा रही है यहां पर कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो एक समय के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, एक बार वो समय जिसको टर्म कहके ये लोग कहते हैं, एक बार वो टर्म फिनिश ऑफ हो गया तो उसके बाद नए व्यक्ति की एंट्री होती है, मतलब रोटेट कर दिया जाता है, नए व्यक्ति आ जाता है, ऑडिटर को रोटेट कर दिया जाता है, दूसरे को खेलने का मौका दिया जाता है, ऐसी वाली बात का मतलब यहां पे आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं, अगर एक ही ऑडिटर इस कंपनी का ऑडिट सालों साल करते रहेगा तो हो सकता है मैनेजमेंट उसको अपना दोस्त बनवा ले, समझ रहे बात को, एकदम अच्छी बॉन्डिंग उनके बीच में हो जाए, तो ऐसे केस में ये दोनों मिलके लोगों को चोट्टे बना सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप कीजिए रोटेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनीज जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे उन लोगों को रोटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। देखो जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना वही कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो छोटी फर्म है यार अपना गुजारा कर रही है, अपना धंधा कर रही है, हम उनको रोटेशन के प्रिंसिपल नहीं लगवाएंगे। रोटेशन केवल उनके ऊपर अप्लाई कराएंगे जो बड़ी कंपनीज है, जिनका नेटवर्थ बड़ा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल और केवल उनके ऊपर रोटेशन का प्रिंसिपल हम लोग लगवाने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या कहता है, ये सेक्शन 139(2) कहता है लिस्टेड कंपनीज, मतलब एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी आने ही वाली है, उसके साथ साथ एंड अदर प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, और उसके अलावा अदर कंपनीज, ठीक है। लेकिन वो अदर कंपनीज के अंदर 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी होंगी तो नहीं आने वाली है, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को एक्सक्लूड कर देना। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए एक तो लिस्टेड कंपनी पक्के से आ ही रही है, इसके अलावा अदर कंपनीज भी आने वाली है, इसके अलावा अदर कंपनीज भी आ रही है, लेकिन कभी भी ओपीसी नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो आप ओपीसी और स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ऐसी वाली बात इनका कहना है, ठीक है। अब ये अदर कंपनीज कौन सी है तो यहां पे दी गई है, जिसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनका क्या कहना है, देखो शाल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, मतलब क्या, आप यहां पे इनका कहना है कि हम कोई भी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेंगे या कोई भी ऐसे व्यक्ति को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। कब, जब कोई अगर इंडिविजुअल है, मतलब अगर किसी की प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई इंडिविजुअल है, तो हम मोर देन वन टर्म हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, और एक टर्म होता है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है स्ट्रीक बनना, मतलब आप स्नैपचैट यूज करते हो तो स्ट्रीक नहीं बनती है क्या, कंटिन्यूअस करके, तो उसे 5 कंटिन्यूअस ईयर, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स बोला जाता है, बराबर। तो जब एक इंडिविजुअल अगर आप उसको 5 साल चिपक के अगर वो आपका ऑडिट करता है, मतलब आपके इन द सेंस आपके कंपनी का ऑडिट करता है, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा उसके बाद 5 साल बीते रहे भैया, उसके बाद आप उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई ऑडिट फर्म है
अपने मित्रों, तो ऑडिट फर्म को आप दो टर्म के लिए अपॉइंट करोगे। कितने टर्म के लिए? आप दो टर्म ऑफ 5 years के लिए, मतलब 10 सालों के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके साथ, देखिए क्या कह रहा है। टर्म ऑफ ऑडिटर, टर्म ऑफ ऑडिटर का मतलब है कि कुछ कंपनी, सारी कंपनीज नहीं, कुछ कंपनीज जो हम स्पेसिफाई करेंगे। ऑलरेडी इन्होंने लिस्टेड कंपनी प्लस अदर कंपनी, इसके अंदर ओपीसी और स्पेशल, मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी नहीं होंगी। मतलब एक स्मॉल कंपनी इंडिविजुअल को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करे चाल से, एक स्मॉल कंपनी कोई फर्म को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करे चाल से, है ना, एक ओपीसी भी लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करे चाल से। मतलब सिंपल सी बात कह रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी और अदर प्रिस्क्राइब कंपनीज अगर इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो एक टर्म के लिए अपॉइंट करती है। एक टर्म मैक्सिमम 5 consecutive years का हो सकता है। सर एक टर्म मेरी इच्छा है 2 years का हो, रखो। मेरी इच्छा है 1 year का है, रखो। 1 से नीचे नहीं रख सकते, ठीक है। 4 का रखना चाहता है, रखो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनका कहना है कि एक टर्म 5 साल का हो सकता है और 2 टर्म तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल के होने वाले, है ना। मैक्सिमम 10 साल के कंडिकेटिव ईयर्स का, एक टर्म मैक्सिमम 5 ईयर्स का हो सकता है। 2 टर्म के लिए अपॉइंट किया, मतलब यहां पे 10 साल के लिए मैक्स टू मैक्स अपॉइंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसी वाली चर्चा इन लोगों ने यहां पे कर चुके हैं। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप ये बात को समझ गए क्या, है ना। यस सर, आइए उसके बाद उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जो रूल 5 होता है ना, रूल 5 ऑफ द कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स, इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है क्लासेस ऑफ कंपनीज को। मतलब मैं यहां पे बात करूं तो ये अदर कंपनीज को प्रिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को प्रिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। कौन सी देखिए, इनका कहना है कि सबसे पहले अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उनका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का जाता है, तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है काम करो करके डन करो, ये कंपनीज भी रोटेशन को फॉलो करेंगे, मान नहीं रहे, उसके अलावा प्राइवेट कंपनी को भी लपेटेंगे बोले। तो अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है मित्रों, तो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे एक काम करो करके इनको भी लपेट डालो। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 10 करोड़, लेकिन प्राइवेट कंपनी और पेड अप शेयर 50 करोड़ है, तो ऐसे केस के अंदर लपेटेंगे। या उसके अलावा ऑल कंपनीज, पब्लिक हो प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल कंपनीज, समझ रहे बात को, ऑल कंपनीज, है ना, समझिए, जिन्होंने बोरो करके रखा है पैसा, जिन्होंने बोरो कर रखा है पैसा अगर 50 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ या उससे ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कह देंगे यहां पे कि इन कंपनीज को भी रोटेशन फॉलो करना होगा। वाह सर, वाह सर, वाह सर, मजा आ गया। एक बार थोड़ा सा डायग्राम वगैरह हो जाए तो मजा आ जाएगा जीवन में। देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, इनका कहना है कि वो सारी कंपनीज, इनका क्या कहना है कि कंपनी करके, बराबर, बिल्कुल बराबर। सर कंपनीज दो सकती है, एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, बराबर, लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अदर कंपनी हो सकती है, बराबर, अदर कंपनी हो सकती है। अब इसमें आप ओपीसी को इंक्लूड मत करियो, इसके अलावा और क्या बोला है जरा बताइए तो मुझे, आप ओपीसी को इंक्लूड मत करना और उसके अलावा, उसके अलावा क्या बोल रहा है, स्मॉल कंपनी को भी इंक्लूड मत करना। ये अदर कंपनी में हो सकता है बेटा, ये पब्लिक कंपनी हो, और अब पब्लिक है तो ऑब्वियस सी बात है अनलिस्टेड ही होने वाली है। हो सकता है ये प्राइवेट हो या हो सकता है ये एनी कंपनी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, एनी कंपनी हो। अब ये दोनों में पब्लिक में क्या बोला, अगर इनका पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा 10 करोड़ या मोर, तो ऐसे केस में लपेट लो इनको रोटेशन के अंदर। यहां पे बोल के रखा है कि इस पर थोड़ा सा सख्ती दोहराएंगे और इनको 50 करोड़ की लिमिट दे दिया, क्योंकि प्राइवेट है ना यार, प्राइवेट में चलता है 50 करोड़। लेकिन एनी अदर कंपनी हुई जिसकी बोरोइंग अगर एक्सीड करती है कितने से, बताइए मुझे जल्दी से, आपको तो ध्यान नहीं, मुझे भी याद नहीं आया लेकिन, है ना, तो बोरोइंग भी 50 करोड़ की लिमिट देके रखे, तो 50 करोड़ से अगर ऊपर एक्सीड करती है या इक्वल टू होती है एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी में पब्लिक प्राइवेट सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो सकता है, लाइक लिटरली सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर ये कंपनी में क्या चालू हो जाता है, ये कंपनी के अंदर रोटेशन चालू हो जाता है। सभी लोग बताइएगा क्या चालू हो जाता है, रोटेशन चालू हो जाता है। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है, बहुत ही लॉजिकल मतलब है इसका, कि एक व्यक्ति जो है ना, मतलब एक जो, मतलब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर कोई फर्म अपॉइंट हुई मित्रों, फर्म मतलब एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट हुई, पार्टनरशिप फर्म या LLP
पे अपॉइंट होती है, तो ऐसे केस के अंदर इनको अपन 10 साल के लिए मैक्सिमम अपॉइंट कर सकते हैं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम की बात की जा रही है। क्या आप बात को समझ रहे हैं? सभी लोग फील कर पा रहे हैं बात को जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो ये है पूरा रोटेशन का प्रिंसिपल और बहुत ही जबरदस्त चार्ट भी अपना बन गया, तो आप इसको कर दीजिएगा। अब ये हुआ तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल 5 ईयर्स के लिए एक टर्म, फर्म जो होता है ये 2 टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, एक टर्म जिसके अंदर 5 साल का होता है। बराबर बोलो मुझे जल्दी से, बराबर है करके, है ना? जल्दी जल्दी बोलिए, हाँ सर बराबर, गटचा बोलो जल्दी से, गटचा, है ना? ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। क्या आप इस बात को समझ गए? कम ऑन एवरीवन, क्या आप इस बात को समझ गए जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कम ऑन एवरीवन, क्या बात को आप फील कर पा रहे हैं? हाँ सर, जोरदार, मजा ही आ गया, बहुत ही मजा आ गया करके, है ना? आ जाइए। चलिए मैं अगर कहूँ आपके साथ कौन से चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे, तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर चलने जा रहे हैं, दैट इज कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? अब देखो, देख भाई ऑडिटर, तूने बहुत काम कर लिया, अब तू थोड़ा ठंडा हो जा, तू गर्म हो गया काम कर करके, तू बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, एक काम कर थोड़ा सा ठंडा हो जा करके। तो अगर कोई इंडिविजुअल है वो 5 साल तक किसी कंपनी के अंदर काम करता है, तो उस कंपनी के अंदर वो अगले 5 सालों तक काम नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो अपने टर्म को कंप्लीट कर देता है तो वो एलिजिबल, नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर इन सेम कंपनी, मतलब वही कंपनी के अंदर, कितने, फॉर 5 ईयर्स तक। जिस साल उसका टर्म कंप्लीट हुआ वहां से लेके अगले 5 सालों तक, समझना, अगले 5 सालों तक वो व्यक्ति अब उस कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बन सकता। और अगर आपकी ऑडिट फॉर्म है तो यहां पे भी 5 साल का ही कूलिंग पीरियड दिया जा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को ठंडा करने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है, चाहे फिर वो एक कंपनी हो, मतलब चाहे फिर वो एक फॉर्म हो या फिर वो इंडिविजुअल क्यों ना हो, अगर वो ऑडिटर होता है तो ऐसे केस के अंदर ठंडा करने के लिए उसको 5 साल का समय दिया जा रहा है। क्या आप इस बात को समझ गए? क्या सभी के सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बोलिए मुझे, यस सर, काफ़ी सिंपल। तो कूलिंग पीरियड 5 साल का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 को देख लीजिए, अच्छे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखो इनका क्या कहना है यहाँ पे, देखो, फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इनका क्या कहना है, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग द कॉमन पार्टनर या पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन द कंपनी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल year shall be appointed as the auditor of same company for the period of 5 years करके। मतलब देखो बहुत जोरदार चीज बोल दी, मतलब बहुत ही आग लगा दी बेटा इन्होंने, आग लगा दी। मतलब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, यह अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। यस, तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो हमको है ना यहाँ पे नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन पीरियड। अब ये ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, तो मैं अगर ट्रांजिशन पीरियड की बात करूँ आपके साथ, तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए ये जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इन्होंने बहुत सारे क्लॉजेज लाए, रोटेशन से रिलेटेड जितनी भी चर्चा की है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आई, तो पहले से जो कंपनीज चल रही थी, पहले से कुछ कंपनीज चल रही थी, अब अचानक से आपने कंपनीज एक्ट 2013 ला दिया, तो ये कैसे ट्रांजिशन करेंगे, इस एक्ट को कैसे कंप्लाई करेंगे, इस एक्ट के प्रोविजन को कैसे कंप्लाई करेंगे, उसके रिगार्डिंग ये लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ट्रांजिशन प्रोविजन। तो ट्रांजिशन प्रोविजन में इनका कहना है कि कोई भी कंपनी हो तो आपको 3 साल का मौका दिया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप कोई कंपनी है तो आपको 3 साल का एक ट्रांजिशन का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, जिसके अंदर आपको सुधार कर लेना होगा, जिसके अंदर आपको इस एक्ट से कंप्लाई करते हुए चलना होगा। अब कैसे सुधार करेंगे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नीचे साइड में थोड़ा थोड़ा आ जाइए, आपको एक टेबल दिखेगा, ठीक है? देखो टेबल के पहले इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉर विच द इंडिविजुअल ऑडिटर हैज बीन फंक्शनिंग एज अ ऑडिटर इन सेम कंपनी। मतलब जिस दिन ट्रांजिशन, जिस दिन कंपनीज एक्ट 2013 आ रहा है ना बेटा, उस दिन तक कितना काम ऑडिटर ने कर लिया, आज तक कितने काम ऑडिटर ने कितने सालों के लिए काम कर लिया ये। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया जा रहा है ट्रांजिशन करने के लिए, तो अपन लोग जानते हैं 3 साल दिया जा रहा है, तो देखिए पूरी जगह 3-3 यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद एग्रीगेट पीरियड, जो जितने के लिए ऑडिटर पूरा काम करने वाला है, मतलब आज तक, मतलब टोटल काम कितना ऑडिटर कर पा रहा है ट्रांजिशन पीरियड का फायदा लेने के बावजूद। अब मान लीजिए जिस समय कंपनीज एक्ट आया उस साल तक 5 साल बीते रहे भैया, 5 सालों के लिए ऑलरेडी ऑडिटर काम कर चुका है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड कहता है हम आपको 3 साल का और समय देंगे कंपनी सुधार करने के लिए, तो
और 3 साल कंपनी उसको अपॉइंट कर सकती है वो व्यक्ति को एज ए ऑडिटर, मतलब टोटल उसने 8 साल के लिए काम किया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये मोर देन 5 ईयर्स, यहाँ पे 10 ईयर्स भी हो सकता है, पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, अपने को क्या 20 साल भी हो सकते हैं वहां पे, समझ रहे बात को? तो इसलिए यहाँ पे शब्द आया और मोर। अब ये ट्रांजिशन प्रोविजन कोई काम का नहीं है। अगर आपका अटेम्प्ट 2015 में होता, 2014 में होता तो बात कुछ और थी, अब तो 2022 चल रहा है मित्रों, तो ऐसे के आपका अटेम्प्ट तो 2023 में ऊपर से, तो ऐसे केस के अंदर फिर ये काम का नहीं है। बट स्टिल पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने में क्या जा रहा है, देखे रखा अपन पढ़ लेंगे, लॉजिकल लॉजिक चीजें याद रख लेंगे, बस हो गया। पूछ लिया तो एमसीक्यू के अंदर ही पूछ लिया तो क्या करेंगे फिर, है ना? अच्छा देखो, कोई भरोसा नहीं। मान लो आपने 4 साल तक का अब तक काम कर लिया है, ठीक है, हम आपको और 3 साल तक का समय देंगे, टोटल आप 7 साल काम कर रहे हो कंपनी में, वाह। 3 साल हो चुका है, हम आपको 3 साल का समय देंगे, 6 साल के लिए आप काम कर रहे हो। 2 साल हो चुके हैं, हम आपको 3 साल का समय देंगे, 5 साल के लिए आप काम कर रहे हो। आपने अभी तक 1 ही साल काम किया है, हम वैसे आपको 3 साल का कंप्लायंस के लिए समय देंगे, लेकिन 4 हो रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 तो कहता है 5 साल के लिए काम कर सकते। मतलब यहां पर आपको एडिशन मिलेगा 4 ईयर्स का, मतलब यहां पे आप टोटल 5 साल के लिए काम कर पाओगे। मतलब देखो क्या बोला है, एक तो 3 साल या टर्म कंप्लायंस 5 साल, व्हिचएवर इज, क्या बोला बताइए मुझे जल्दी से, व्हिचएवर इज लोअर, वो वाले के लिए ट्रांजिशन पीरियड अप्लाई होगा, वो वाले के लिए वहां पे ट्रांजिशन पीरियड यहां पे अप्लाई होने वाला है। एक तो जो टर्म बचा हुआ है रिमेनिंग टर्म या 3 साल, व्हिचएवर इज हायर, उसके लिए अपन लोग कहेंगे कि उसके लिए ये वाला जो टर्म है ना मित्रों, ये वाला टर्म वहां पे वो वाली चीज आ जाती है। क्या बात को समझ रहे सभी लोग बताइए। वही अगर आपकी फर्म है मित्रों, तो फर्म के केस में यहां पे 10 साल हो जाएंगे, 3 है तो 13, 1 है तो 9 साल मिल जाएंगे, 2 साल हुए तो और 8 साल मिलेंगे, समझ रहे बात को? क्योंकि फर्म में 10 साल का अलाउंस होता है ना, तो यहां पे 10 साल या 3 साल, व्हिचएवर इज हायर, जो रिमेनिंग पीरियड है, या 3 साल, व्हिचएवर इज हायर, उतना का समय यहां पे मिलने वाला है, और उतने समय के लिए ये ऑडिट में रह सकता है। क्या आप बात को समझ रहे? मतलब वो फर्म या वो इंडिविजुअल ऑडिट कितने सालों के लिए, और मतलब टोटल उसका टर्म कितना हो जाएगा, तो इसकी यहां पे बात की जा रही है। लेकिन ये केवल प्रोविजन के समय की बात, मतलब केवल ट्रांजिशन के समय की बात है, उसके अलावा और कुछ चर्चा यहां पे नहीं की जा रही है, ठीक है? तो ये चीज और ये चीज अभी अपन ने देखा। तो ट्रांजिशन का पीरियड होता है यहां पे समाप्त, ट्रांजिशन का चीजें होती है समाप्त। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया, नथिंग इन द मेंशन पॉइंट ए टू डी शैल प्रीजुडाइज द राइट ऑफ कंपनी। प्रीजुडाइज का मतलब होता है ये कंपनी के राइट को खत्म नहीं करता है, कंपनी के राइट को अफेक्ट नहीं करता है। टू रिमूव एन ऑडिटर और राइट ऑफ अ ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम सच ऑफिस। मैंने किसी ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, लेकिन कंपनी को 1 साल बाद पता चलता है कि ऑडिटर नहीं ठीक ठाक है, तो कंपनी क्या उसे रिमूव कर सकती है? बिल्कुल। ऑडिटर को लगता है जिस कंपनी के साथ मैं डील कर रहा हूं एक नंबर की छोटी कंपनी है, क्या ऑडिटर यहां पे खुद से रिजाइन कर सकता है? बिल्कुल खुद से रिजाइन कर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर रिमूव करने के लिए या ऑडिटर के राइट को रिजाइन करने के लिए दोनों भी राइट्स क्या फॉरगो हो रहे हैं? क्या? जी नहीं, दोनों भी राइट्स फॉरगो नहीं हो रहे हैं, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। तो ना ही ऑडिटर रिमूव हो रहा है और ना ही ऑडिटर यहां पे, मतलब ऑडिटर का रिमूव करने का अधिकार जो कंपनी के पास है, या ऑडिटर को खुद से रिजाइन डालने का अधिकार जो उसके पास है, दोनों में से कोई भी चीज यहां पे, मतलब ये राइट दोनों में से कहीं भी गायब हो रहे हैं क्या? नहीं। आज भी ये दोनों राइट अभी भी मौजूद होंगे, भले ही 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने भी सालों के लिए अपॉइंट कर लिया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे राइट कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, ठीक है? यस। अब आता है यहां पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन ऑफ ऑडिटर? तो अपन ने वैसे पढ़ लिया रोटेशन ऑफ ऑडिटर, लेकिन और कुछ डिटेल में ये लोग चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? चलिए आइए देखिए। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में रिजोल्व टू प्रोवाइड, जो कंपनी के मेंबर्स लोग होते हैं, मेंबर्स मतलब कौन, जो शेयर होल्डर्स लोग है ना, वो शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं मित्रों, क्या बोल सकते हैं कि एक ऑडिट फर्म के अंदर जो ऑडिटिंग पार्टनर है, मतलब जिस पार्टनर की साइन जाने वाली है ना बैलेंस शीट के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं कि 10 साल के लिए हमने आपके ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी आप क्या करो, 1 साल आईजी सर, अगले साल अंशुल सर, अगले साल निशांत सर, अगले साल मान लीजिए एमबी सर, उसके अगले साल प्रणव सर, मतलब वो रोटेट करवा सकते हैं फर्म के अंदर भी साइनिंग पार्टनर्स को, या मेन ऑडिटिंग पार्टनर को रोटेट करने के लिए मेंबर लोग बोल सकते हैं कि 1 साल जो काम किया उसके बाद कोई और व्यक्ति करेगा, फिर कोई और करेगा, फिर कोई और करेगा, फिर लगे तो पहला वाला व्यक्ति कर सकता है, मतलब मेन प्रिंसिपल पार्टनर को क्या हम लोग चेंज
करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है कि मोर देन वन ऑडिटर, मतलब मान लीजिए मेरी कोई एक फर्म है जिसका नाम है ABC करके और PQR करके एक दूसरी फर्म है, तो ये दो कंपनीज को हम ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ज्वाइंट तरीके से, ज्वाइंटली इन्होंने ऑडिट को परफॉर्म करना चाहिए। अगर ऐसा करवाना चाहे तो मेंबर्स कर सकते हैं क्या? वो भी कर सकते हैं। मेंबर्स के पास पूरी पूरी पावर है यारो, कि मेंबर्स क्या कर सकता है यहाँ पे, मेंबर्स चाहे तो एक ऑडिटर से पूरा काम करवा सकते हैं, मेंबर्स चाहे तो एक काम के लिए दो ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या तीन ऑडिटर्स को भी। रिलायंस के जो बैलेंस शीट होती है उसको चार अलग अलग फर्म के पार्टनर्स साइन करते हैं, मतलब चार ऑडिटर्स है बेटा रिलायंस को संभालने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन भी उतना बड़ा है ना, तो ऐसे केस में एक अकेले व्यक्ति से उसका क्वांटम नहीं संभाल सकता है, तो ये लोग फिर ज्यादा नंबर ऑफ ऑडिट फर्म्स को अपॉइंट करते हैं, फीस भी देते हैं, वो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द रूल्स द मैनर इन विच इट शाल रोटेट द ऑडिटर, अपन ने ऊपर देख लिया 5 साल और मतलब एक टर्म और दो टर्म अपन ने ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब मैनर ऑफ रोटेशन के बारे में बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मैनर ऑफ रोटेशन, तो यहां पे बोला जा रहा है क्या, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द कंपनीज, द ऑडिट कमिटी शाल रिकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ इंडिविजुअल और अ फर्म हु मे रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। मतलब क्या, इनकम्बेंट का मतलब होता है कि इन एलिजिबल ऑडिटर। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है जिसने 5 साल सर्व कर लिया, कोई फर्म है जिसने 10 साल सर्व कर लिया, उसका टर्म खत्म हो रहा है, तो अब वो इन एलिजिबल बोला जा रहा है या उसे मैं इनकम्बेंट कह सकता हूं, बराबर। तो ये जो इनकम्बेंट ऑडिटर है, तो ऑडिट कमेटी अगर आपके इसमें, अब ऑडिट कमेटी कहां का होती है अपन ने ऊपर पढ़ लिया है, तो ऐसे केस के अंदर अगर ये जो ऑडिट कमेटी है ना, ये रिकमेंड करती है नए व्यक्ति को, मतलब रिकमेंड करेंगी कोई ऐसे व्यक्ति को या ऐसे फर्म को जो रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग पर्सन को, समझ रहे बात को, मतलब यहां पे ये ऑडिट कमेटी बेस्ट फ्रेंड का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि एक काम कर, इसको छोड़ इसको पकड़ करके, समझ रहे। तो ऐसी वाली बात है यहां पे कि इनकम्बेंट ऑडिटर को कौन रिप्लेस करेगा, इंडिविजुअल या फर्म, उसके बारे में यहां पे बात करते हैं ऑडिट कमेटी। और ये किसे रिकमेंड किया जाता है, ये रिकमेंड किया जाता है बोर्ड को मित्रों, किसे रिकमेंड किया जाता है जल्दी से बोलो, बोर्ड को रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, बोर्ड शाल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। एक तो मैं रिकमेंडेशन को कंसिडर करूंगा, ठीक है, कंसिडर द रिकमेंडेशन, एंड इन अदर केसेस जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे इटसेल्फ, बोर्ड शाल इटसेल्फ, बोर्ड खुद से क्या करेंगे बताइए मुझे, खुद से रिकमेंड करेंगे नए ऑडिटर को। और किसे रिकमेंड करेंगे, मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं AGM के अंदर, क्योंकि जो सबसीक्वेंट ऑडिटर है उसको मेंबर्स लोग ही अपॉइंट करते हैं AGM के अंदर, ये बात भी अपन पहले जान चुके हैं। तो अभी तक क्या क्या देखा, देखो किसी ऑडिटर का टर्म कंप्लीट हो गया है या किसी ऑडिटर को निकालना है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जब हम व्यक्ति को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके बारे में एक तो ऑडिट कमेटी बताएंगी, नहीं तो बोर्ड बताएंगी, है ना। देखो बोर्ड हो सकता है खुद से मेंबर्स को दे दे, नहीं तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताती है, बोर्ड को धन्य लगा तो वो आगे चलती है किसके पास, सामने वाले को बतवाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, इन फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन द ऑडिट फॉर्म द पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल फॉर्म हैज हेल्ड द ऑफिस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शाल बी टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेटर ऑफ द 5 consecutive years करके, सिंपल सी बात है। और इनकमिंग ऑडिटर, द इनकमिंग ऑडिटर ऑफ द ऑडिट फर्म शाल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर या ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिटर या ऑडिट फर्म विद इन द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म्स। द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म्स का मतलब होता है यहां पे ऑपरेटिंग एंड फंक्शनिंग अंडर द सेम ब्रांड नेम या कॉमन कंट्रोल करके। मैं आपको बताता हूं क्या, जैसे मान लीजिए बेटा एक डेलॉइट करके ऑर्गेनाइजेशन है, डेलॉइट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा नेटवर्क फर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ABCN कंपनी करके एक नेटवर्क फर्म है, PQR करके एक नेटवर्क फर्म है, DEF करके एक नेटवर्क फर्म है, ऐसे सारे नेटवर्क फर्म्स है। अब ये जो ABCN कंपनी है ना, इसने A लिमिटेड का ऑडिट किया, अब रोटेशन के कारण ये बाहर हो रहा है, तो इसका काम PQR भी नहीं ले सकता, इसका काम DEF भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो सेम नेटवर्क फर्म है, सबको डेलॉइट कंट्रोल करता है, सबको डेलॉइट यहां पे, मतलब समझ रहे बात के, वो नेटवर्क सेम नेटवर्क फर्म्स के अंदर वो आ रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो आउटगोइंग ऑडिट, जो अगर हम PQR के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इनकमिंग ऑडिटर हुआ, तो ये इनकमिंग ऑडिटर ABC के साथ किसी भी माध्यम से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, एसोसिएट मतलब उसके जान पहचान का नहीं होना चाहिए, सेम नेटवर्क फर्म्स के अंदर नहीं होना चाहिए, बराबर ना, कह दो ना मुझे ये सर, है ना। तो ऐसे केस के अंदर वो सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स के अंदर ना हो, ऐसी वाली बात ये लोग कर रहे हैं।
उसके अलावा देखिए यहाँ पे ब्रेक इन टर्म ऑफ कंटिन्यूअस 5 ईयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन, मतलब 5 साल के लिए आप कंटिन्यूअस ब्रेक लेते हो रोटेशन माना जाता है। मान लो सर फॉर एग्जांपल हमने 2 साल के लिए यहाँ पे ऑडिट किया एक कंपनी का, उसके बाद 5 साल तक हमने ऑडिट नहीं किया, तो अब आगे मैं कितने साल के लिए ऑडिट कर सकता हूँ, 3 साल के लिए कि 5 साल के लिए? कमेंट में बताना कितने साल के लिए। आपका आंसर होना चाहिए सर 5 साल के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे कूलिंग पीरियड को सेटिस्फाई कर लिया, तो फिर से आपको एडिशनल बूस्टअप मिलता है 5 साल का, ठीक है। उसके बाद देखो द पार्टनर इज इन चार्ज ऑफ द ऑडिट फर्म एंड ऑल्सो सर्टिफाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेट फर्म जॉइंस अनदर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 5 ईयर्स करके। जैसे मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो, नहीं नहीं सुनना होगा आपको। मान लीजिए ए बी सी करके एक कंपनी है मित्रों, और ये है ना एक, मतलब एक कंपनी नहीं है, ये एक फर्म है और इस कंपनी का ऑडिट कर रही है। अब ए ने क्या किया, सर्टिफाई किया कंपनी को, और ये कंपनी छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाता है जिसका नाम है पी क्यू आर करके, तो ये पी क्यू आर भी क्या इनएलिजिबल बनेंगी क्या? हाँ बेटा, पी क्यू आर भी इनएलिजिबल, नहीं तो ये सही होगा ना, लोग एक फर्म छोड़ के दूसरे फर्म में जाएंगे, बोले इसको ऑडिट दो, फिर तीसरे फर्म में जाएंगे इसको ऑडिट दो, तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल हो रहा है, और जब जब इंडिपेंडेंट सैंपल हो रहा है तो हम आपको नहीं बनाने देने वाले हैं कंपनी, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए मुझे, है ना, काफी सिंपल है। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, वेयर अ कंपनी हैज अपॉइंटेड टू और मोर इंडिविजुअल और अ फर्म्स इन अ कॉम्बिनेशन एज अ जॉइंट ऑडिटर, कंपनी हैज टू फॉलो रोटेशन इन सच अ मैनर दैट ऑल जॉइंट ऑडिटर्स डू नॉट कंप्लीट द टर्म इन द सेम ईयर करके। मतलब रोटेशन ऐसा कीजिएगा, जैसे मान लो ए बी सी और पी क्यू आर को आपने अपॉइंट किया, तो अब ये दोनों को आपने 21 दिन अपॉइंट किया, तो किसी को आप 4 साल के लिए अपॉइंट करो और किसी को 5 साल के लिए, मतलब दोनों का कंप्लीशन एक समय नहीं आना चाहिए, ऐसी वाली बात कर रहे हैं आप, उस हिसाब से चेंज को रोटेशन करते रहो, बराबर। और फर्म के अंदर यहां पे एलएलपी भी क्या कवर होती है, कि यस फर्म के अंदर एलएलपी को भी कवर माना जाता है, ये वाली बात यहां पे अभी तक पूरी की गई है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, एक बार आप इसको फटाफट फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कीजिएगा एकदम बढ़िया से, ताकि फिर मैं आपके ऊपर, है ना, ताकि हम लोग फिर आपके साथ नए कंसेप्ट को चालू कर सके, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए बढ़िया से, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। सो होप सो आप लोगों को ये पूरी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हो। जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, आपको ये पूरे सेशंस पसंद आते हैं, आपको जितना भी यूट्यूब पे आज हमने कवर किया है ये पूरी चीज पसंद आती है, तो मैं आपको बता दूं आप हमसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इट इज नथिंग बट द नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, सेम चीज है आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे आईजी सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी, राइट। फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट के पूरे 8 सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन वही अगर आप सब्सक्रिप्शन की प्राइस देखेंगे, इट इज अ प्राइस इन द प्राइस ऑफ पेन ड्राइव, अगर मैं बात करूं तो 2 पेन ड्राइव की कॉस्ट में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आ जाता है आपका, 6 महीने वगैरह का भी आपका सब्सक्रिप्शन आराम से आप यहां पे कवर कर सकते हो, एक ग्रुप को, दो ग्रुप को, दोनों ग्रुप को आप कवर कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।